अच्छा, हमने स्टार्ट किया था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को, जिसको हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, और उससे बनने वाले पॉलीमर्स को एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। हमने कहा था ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है वो थ्री टाइप्स की हो सकती है, या थ्री प्रोसेसेस के जरिए हो सकती है। वो कौन कौन से काइंड्स हैं हमारे पास? रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, केटाइनिक पॉलीमराइजेशन है, एनाइनिक है। रेडिकल को हमने स्टडी कर लिया था कि रेडिकल पॉलीमराइजेशन में पहला काम हमें क्या करना है, हमें इनिशिएटर्स चाहिए, ठीक है, ताकि हम रेडिकल पॉलीमराइजेशन इनिशिएट कर सकें। उसके लिए हमें इनिशिएटर रिक्वायर्ड है। वो इनिशिएटर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? वो थर्मल इनिशिएटर्स हो सकते हैं, वो रिडॉक्स इनिशिएटर्स हो सकते हैं, वो फोटो इनिशिएटर्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने कौन से इनिशिएटर्स को ज़्यादा डिस्कस करना है? थर्मल इनिशिएटर्स को, ठीक है। उसमें भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज ऐसी आ जाती हैं कि कुछ जो हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, यानी वो लो टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो हीट स्टेबल स्टेबल हैं, यानी उनको आप अगर थोड़ा हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन करवाना चाह रहे हो तो उन थर्मल इनिशिएटर की तरफ जाओ, जो कि आपके पास जैसे डाइटर्शियल ब्यूटाइल पारोक्साइड है, ये एक टेम्परेचर इनसेंसिटिव, आप कह लो कि लेस टेम्परेचर सेंसिटिव जो है आपके पास थर्मल इनिशिएटर है, जिसे आप हाई टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन में भी यूज कर सकते हो। रीजन ये होता है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन कर रहे हो किसी लेस टेम्परेचर जो है वो, जो कि जल्दी ब्रेक कर जाता है, जिसमें जल्दी होमोलिटिक क्लेवेज हो जाती है लो टेम्परेचर पे, उस इनिशिएटर को आप ले लोगे तो रीजन क्या होगा कि वो आपके पास इनिशिएटर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शुरू हो, वो इनिशिएटर पहले ही लो टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। सो हमें चाहिए कि हमने जब मोनोमर ऐड करना है तभी जाके हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो। तो इसीलिए हम, अगर हम हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो हम ऐसे इनिशिएटर्स की तरफ जाएंगे जो रिलेटिवली स्टेबल हो। फिर हमने कहा था कि आपके पास जो है वो आपका इनिशिएटर, आपकी जो मोनोमर है वहाँ पे किस एंड पे अटैच हो, किस तरह उसकी प्लेसमेंट हो। तो वो हमने कहा था कि वो आपका जो मोनोमर है वो CH2, अगर आपका इनिशिएटर के जो है वो CH2 एंड ऑफ मोनोमर में अटैच हो तो ये ज्यादा फेवरेबल अटैचमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोपोगेशन को डिस्कस किया था कि प्रोपोगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट हमारे पास आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हमें थ्री टाइप्स कह लो आप कि थ्री वेज होते हैं टर्मिनेशन के, वो है एक बाय कपलिंग, एक आपके पास था आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन, और थर्ड वन था हमारा इम्प्योरिटी, ठीक है। ये तीन मेथड थे जो कि आपके चेन जो है उसकी उसको डेड पॉलीमर में कन्वर्ट कर देती है। डेड पॉलीमर कौन सा होता है? एक लिविंग पॉलीमर। कुछ बुक्स में आपको ये टर्म मिलेगी, लिविंग पॉलीमर एंड डेड पॉलीमर की। अच्छा, लिविंग पॉलीमर वो होता है जो कि ग्रो कर रहा है, यानी जो ग्रोइंग चेन होती है आपके पास, जिसका एंड जो है वो आपके पास ग्रोइंग एंड है, यानी रिएक्टिव एंड है। तो इट मींस कि वो चेन ग्रो कर रही है। जैसे हमने प्रोपोगेशन में देखा था कि जो प्रोपोगेटिंग साइट्स होती हैं वो चूंकि ग्रोइंग चेन एंड्स होते हैं और वो ग्रो कर सकते हैं, अभी वो कॉन्टिन्यूसली वो चेन ग्रो करेगी, बन वो भी पॉलीमर गया, लेकिन वो पॉलीमर ग्रोइंग चेन पॉलीमर है, तो ऐसे पॉलीमर को लिविंग पॉलीमर कहा जाता है। बट अगर आपका जो टर्मिनेशन के बाद हमारे पास पॉलीमर आता है उसके एंड्स जो हैं वो रिएक्टिव एंड्स हम खत्म कर देते हैं, चाहे वो कपलिंग के थ्रू करें, चाहे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू करें, चाहे हम इम्प्योरिटी की तरफ इम्प्योरिटी यूज करके करें, तो इट मीन्स कि हम उस पॉलीमर को जो लिविंग पॉलीमर है उसे डेड पॉलीमर की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब वो ग्रोइंग चेन में नहीं रहा, वो ग्रोइंग चेन पॉलीमर नहीं रहा, अब उसकी जो चेन ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। अच्छा, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। एक पॉइंट जो रह गया था प्रीवियस क्लास में वो था डिफरेंस बिटवीन चेन पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप पॉलीमराइजेशन। इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट, अगर आप चेन ग्रोथ और आपके पास जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है उन्हें डिफ्रेंशिएट करना चाहो, तो जो चेन ग्रोथ है वो आपको हाई मोलेकुलर वेट मॉलिक्यूल यानी हाई मोलेकुलर वेट पॉलीमर देती है, ठीक है। और कब बन जाता है? इमिजिएटली बन जाता है इन केस ऑफ चेन ग्रोथ, यानी चेन ग्रोथ जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपको जो मिलेगा पॉलीमर वो हाई मोलेकुलर वेट पॉलीमर होता है, ये हाई मोलेकुलर वेट मॉलिक्यूल होता है जो कि इमिजिएटली बन जाता है।
जबकि अगर हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की या कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास जो हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल या पॉलीमर है वो कब बनता है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में बन जाता है, बट यहाँ पे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, मोनोमर कंसेंट्रेशन के, अगर आप मोनोमर यूज कर रहे हो तो उस मोनोमर की कंसेंट्रेशन टाइम टू टाइम जो है वो कैसे वेरी करेगी इन केस ऑफ चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ। तो चेन ग्रोथ में क्लास अगर आप देखो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आपकी मोनोमर की कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज करती जाएगी। रीजन क्या है कि आप देख रहे हो कि आपका जो प्रोपिगेटिंग साइट होती है वो मोनोमर को ऐड करती रहती है, तो मोनोमर की कंसेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मोनोमर कॉन्टिन्यूसली यूज हो रहे हैं आपके रिएक्शन में, बट इन केस ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि मोनोमर जो है वो सिर्फ स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे अवेलेबल होते हैं, यानी बिगनिंग ऑफ रिएक्शन पे अवेलेबल होते हैं। देन वो मोनोमर, क्योंकि यहाँ पे दो आपके पास जो मोनोमर है वो कंबाइन करके क्या बना देते हैं, डाइमर एंड ट्राइमर, तो यहाँ पे जो मोनोमर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाइमर एंड ट्राइमर्स में, या आपके जो सिंपल मोनोमर है वो सिर्फ स्टार्ट ऑफ रिएक्शन पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद किसी भी इंस्टेंट पे आपके रिएक्शन की अगर आप सिचुएशन कंडीशन देखना चाहो तो क्या होगा कि अगर आप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मोनोमर भी मिलेंगे। जैसे आपने देखा है प्रोपिगेशन की, जब भी हम बात करते हैं तो प्रोपिगेशन साइड में हमारे पास ग्रोइंग चेन होती है, यानी प्रोपिगेटिंग साइड होती है, और साथ हमारे पास एक ग्रोइंग एक जो है वो मोनोमर होता है जिसको वो फर्दर अटैक करती है और उसके एंड को फिर जो है वो रेडिकल में कन्वर्ट कर देती है, अगर हम रेडिकल पॉलीमराइजेशन की बात करें। तो इट मींस कि जो आपके पास चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसमें आपके पास मोनोमर अवेलेबल होते हैं और आपके पास ग्रोइंग पॉलीमर चेन होती है जिसे आप प्रोपिगेटिंग चेन या प्रोपिगेटिंग साइट कह सकते हो। ठीक है, इस लेकिन अगर आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की बात करो तो उसमें आपके पास जो है वो बिगनिंग ऑफ रिएक्शन पे सिर्फ मोनोमर होंगे, मिडल ऑफ रिएक्शन पे यानी मिडल इंस्टेंट की बात करो तो इंटरमीडिएट पे आपके पास ग्रोइंग चेन होगी और एंड ऑफ द रिएक्शन पे आपके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर अगर बात करें पॉलीमराइजेशन स्टेप्स की, तो जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है उसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, प्रोपिगेटिंग स्पीसी होती है और मोनोमर होती है, यही बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। जबकि आपके पास इन केस ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई से दो मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम, क्योंकि यहाँ पे प्रोपिगेशन साइट और वो वाली साइट्स नहीं होंगी, कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और आपके पास पॉलीमराइजेशन जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। अच्छा, रिएक्शन टाइम की बात करें तो रिएक्शन टाइम इन केस ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन शॉर्ट होता है और आपके जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं उनके केस में रिएक्शन टाइम आपका लॉन्ग होता है। रिएक्शन टेम्परेचर चेन ग्रोथ के लिए आपको लो चाहिए, कंडेंसेशन के लिए आपको हाई चाहिए। थोड़े से डिफरेंस हैं इनमें, जो हम अगर वन बाय वन उसको स्टडी करेंगे स्टेप ग्रोथ की तरफ, तो आपको ये जो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब अपने टॉपिक पे आते हैं क्लास। यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, ठीक है, यहाँ पे क्लास हमने स्टॉप किया था कि आपके पास जो टर्मिनेशन है वो आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू हो सकती है, इंप्यूरिटी के थ्रू हो सकती है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है चेन ट्रांसफर। अब ये चेन ट्रांसफर क्या है, आप समझो ये एक नेक्स्ट मेथड है या एक सेपरेट मेथड है आपकी ग्रोइंग चेन को एंड टर्मिनेट करने का या उसको डेड पॉलीमर में कन्वर्ट करने का। इसमें क्या होता है कि आप जो मोलेकुलर वेट ऑफ पॉलीमर है उसको एक और मेथड के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, जो कि है चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर में क्या होता है कि जो आपकी ग्रोइंग चेन ऑफ पॉलीमर होती है, यानी जो ग्रोइंग चेन है आपके पास, ग्रोइंग पॉलीमर चेन है, वो किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है। वो मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास एक्स वाई सपोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक कोई रेडिकल स्पीशी नहीं है, कोई कैटायनिक, कोई चार्ज स्पीशी नहीं है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एक्स वाई आपके पास। उस मॉलिक्यूल के साथ आपकी ग्रोइंग चेन जो है जिसका एंड जो है वो रेडिकल एंड है वो रिएक्ट करती है।
और इस मैनर में क्लास रिएक्ट करती है कि आपके पास ये जो एक्स वाई है ये उसी तरीके से होमोलिटिकली क्लीव करता है, और इसका जो एक्स रेडिकल है, ठीक है, आपके पास एक्स या वाई रेडिकल है, वो आपकी जो चेन है उस ग्रोइंग चेन के साथ कंबाइन कर जाता है, और रेडिकल जब कंबाइन करेंगे चेन के साथ तो वो तो न्यूट्रल में स्पीशी में चेंज हो गए, यानी उसकी तो जो चेन ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या आ रहा है, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि जब आपका एक्स वाई होमोलिटिकली क्लीव करता है तो एक जो रेडिकल है वो तो ग्रोइंग चेन पॉलीमर की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, बट दूसरा जो रेडिकल है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपके रिएक्शन में मौजूद होता है, और यही फ्री रेडिकल एक और फ्रेश ग्रोथ ऑफ पॉलीमर को या फ्रेश पॉलीमर चेन को ग्रोथ को जो है वो इनिशिएट कर सकता है। यानी यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि एक कंप्लीट जो आपके पास रेडिकल चेन ग्रोथ है वो टर्मिनेट नहीं होती। अब ये एक्स वाई क्या हो सकता है, ये एक्स वाई आपके पास कोई सॉल्वेंट स्पीशी हो सकती है, ठीक है, कोई आपके पास रेडिकल इनिशिएटर हो सकता है, या कोई और मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज जो है पॉसिबल हो। यहाँ उसने जर्नल रिएक्शन लिखा है कि ये आपकी ग्रोइंग चेन है पॉलीमर चेन, और ये आपका एक्स वाई एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ जब ये चेन रिएक्ट करती है तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज इनिशिएट करती है, और ये होमोलिटिकली जब क्लीव करता है तो इसका जो एक्स रेडिकल है बनने वाला वो आपकी चेन के साथ अटैच हो जाता है, यानी बॉन्ड बना लेता है। चेन जो है आपकी वो डेड पॉलीमर में कन्वर्ट हो गई, यानी न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट होगी, बट वाई रेडिकल जो है यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हो गई है, और ये रेडिकल किसी ओ एज ए इनिशिएटर एक्ट कर सकता है और फर्दर चेन ग्रोथ को, यानी कोई जो मोनोमर है उसके साथ दोबारा रिएक्ट करके न्यू पॉलीमर चेन को जो है वो इनिशिएट कर सकता है उसकी ग्रोथ को। अच्छा, इसको मैंने एक जर्नल रिएक्शन के थ्रू लिखा है आपके पास, क्लास चेंज हुई है स्क्रीन? यस मैम। अच्छा, इसको क्लास अगर आप जर्नल रिएक्शन के जैसे एक्स वाई की फॉर्म में लिखा हुआ, सपोज आपके पास आर एच है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो एच फ्री रेडिकल है वो यहाँ से लीक कर जाएगा और वो आपके सी एच रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा। यहाँ पे ये सी एच रेडिकल जो है आपके पास ये सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में, और आर जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल वो यहाँ से लीक कर जाएगा, और यही फ्री रेडिकल दोबारा एक न्यू रेडिकल चेन जो है, एक न्यू पॉलीमर चेन जो है उसको इनिशिएट कर देगा। तो ये एक तरह से आप कह लो कि इसका डिसएडवांटेज हो गया इस मेथड का कि आप जो है वो कंप्लीट पॉलीमर चेन जो है उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और स्पीशीज ये इस चैप्टर में नहीं है बट मैंने एक्स्ट्रा आपको ऐड कर लेना उसमें। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो है फर्दर कौन से मेथड हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनको यूज करते हुए आप रेडिकल चेन ग्रोथ को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि एज इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, वो यहाँ पे भी चेन टर्मिनेशन के लिए आप या इनहिबिशन के लिए यूज करते हो। इसी तरह आपके पास रेडिकल स्क्वेंजर्स हैं, उनको भी एज इनहिबिटर यूज करते हैं हम, जो कि एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, और उनमें ऑक्सीजन जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है वो एक इनहिबिटर का काम करती है, यानी वो भी चेन ग्रोथ को, रेडिकल चेन ग्रोथ को स्टॉप कर सकती है। अच्छा, ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये इनहिबिटर्स जो हैं आपके पास इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये आपकी चेन ग्रोथ को इनहिबिट करें या किल कर सकते हैं। कैसे, कि ये उसके जो एक्टिव फ्री रेडिकल हैं उसके साथ कंबाइन करते हैं और उन्हें उस चेन ग्रोथ पॉलीमर को या उस फ्री रेडिकल स्पीशी को किसी स्टेबल या इनएक्टिव फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, या तो स्टेबल स्पीशी में कन्वर्ट कर देंगे या इनएक्टिव फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारी पास जो चेन ग्रोथ है वो किसी न किसी तरीके से स्टॉप हो जाए। अब इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हमारे पास हाइड्रोक्विनोन हो गए, नाइट्रोबेंजीन, डायनाइट्रोबेंजीन, बेंजोथायजिन, ये हमारे पास जो है तो आपके पास एज इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल जो है नाइट्रोबेंजीन की यहाँ पे मैंने लिखी है। उसमें क्या है कि आपके पास सपोज पी जो है, आप समझ जाओ ये ग्रोइंग पॉलीमर चेन है और इस पे रेडिकल चार्ज है, ठीक है, ये ग्रोइंग पॉलीमर चेन है विद अ रेडिकल चार्ज, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरी चेन लिखोगे वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो समझाने के लिए आपके पास एक ग्रोइंग पॉलीमर चेन है विद रेडिकल चार्ज, ठीक है, ये प्रोपिगेटिंग चेन है आपके पास, और ये आपका नाइट्रोबेंजीन है।
ठीक है, अब होता क्या है कि आपकी जो पॉलीमर चेन है वो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है। किस तरह अटैच होती है, अगर आप नाइट्रो का स्ट्रक्चर खोल के लिखो तो आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो डबल बॉन्ड बेसिकली यहाँ पे होमोलिटिकली क्लीव किया है। जब क्लीव किया है तो किस तरह क्लीव किया है, एक ऑक्सीजन की तरफ रेडिकल चार्ज चला गया, एक नाइट्रोजन की तरफ रेडिकल चार्ज आ गया। वो जो ऑक्सीजन की तरफ रेडिकल चार्ज किया है उसने, और ये पॉलीमर चेन जो आपका ग्रोइंग पॉलीमर चेन फ्री रेडिकल एंड है, ये कंबाइन करके ये ओपी बन गया, ठीक है। और नाइट्रोजन पे आपका रेडिकल चार्ज आ गया और ये ऑक्सीजन पे आपका एनायनिक चार्ज है। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आप कह लो कि या पार्शियल डाइपोल्स जो है वो प्रेजेंट है, वन एंड इज पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो आपका जो है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसे डाइपोल क्रिएट हो गया। नाइट्रोजन पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। आप कह लो ये आपका रेडिकल कैटायनिक चार्ज है यहाँ पे, ये आपकी इसी वजह से आपकी ज्यादा लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव एंड हो जाता है और ये आपका पार्शियल नेगेटिव एंड है, मतलब ये डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे प्रेजेंट। अच्छा, फिर ये जो रेडिकल चार्ज नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज है, यानी ये रिंग में रेजोनेट कर सकता है। अगर ये रिंग में रेजोनेट करता है तो अल्टीमेटली आपके पास ये कुछ इस तरह की कंडीशन है कि ये पूरे रिंग में रेजोनेट करेगा, ठीक है। अब पूरे रिंग में रेजोनेट करने के बाद क्या होगा, एक तो रेडिकल चार्ज इतना रिएक्टिव नहीं रहा, वो रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, रिंग में रेजोनेट कर रहा है। दूसरा फिर क्या होता है कि यही बनने वाली स्पीशीज, यही जो बनने वाली स्पीशीज यहाँ पे है आपके पास, ये एक और जो आपके पास ग्रोइंग पॉलीमर चेन है जिसपे रेडिकल चार्ज प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है। किस तरह रिएक्ट करती है कि आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली फिर क्लीव करेगा, ठीक है, और यहाँ से ये जो आपकी आप कह लो कि ओपी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल रिमूव होगा और वो यहाँ पे इस ग्रोइंग पॉलीमर चेन के साथ कंबाइन करके पीओपी यानी एक न्यूट्रल स्पीशीज बना देगा, डेड पॉलीमर बना देगा। और जो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोबेंजीन था वो भी एक न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, सो आपने एक नाइट्रोबेंजीन को लेते हुए आपने जो पॉलीमर चेन है, ग्रोइंग पॉलीमर चेन है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप किया, ठीक है। रेडिकल चेन जो रेडिकल था उसको इनएक्टिव या आप कह लो स्टेबल उसको किया रिलेटिवली। फिर आपने अल्टीमेटली उस रेडिकल चार्ज को खत्म किया है, किल किया है यहाँ पे, इस तरह के दो पॉलीमर चेन की ग्रोथ को आपने इनहिबिट किया है कि उनको आपस में थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो आपने एक तो कंबाइन कर दिया और यहाँ पे दो पॉलीमर चेन की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो रही है और साथ ही आपके पास नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोसाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक एज इनहिबिटर आप कह लो कि टर्मिनेशन स्टेप है आपके पास। ये समझ आ गई क्लास? यस मैम। अच्छा, उसके बाद जब आपका सेकेंड स्टेप है इनहिबिशन का, वो ये है कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके थ्रू आप जो है वो इनहिबिशन करवा सकते हो। और जो आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो एज एक बहुत अच्छी आप कह लो इनहिबिटर होती है। और उसकी इनहिबिशन प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में बाय रेडिकल नेचर होती है, तो उसी तरीके से जो ऑक्सीजन में आप कह लो डबल बॉन्ड है वो ये टेंडेंसी रखता है कि वो जो है होमोलिटिकली क्लीव करे और जो है रेडिकल स्पीशीज जनरेट करे। और दो जो रेडिकल बनेंगे यहाँ पे वो बाय रेडिकल होंगे क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पे एक रेडिकल चार्ज होगा, तो इस वजह से इसमें टेंडेंसी है कि ये इनहिबिट कर सकती है। तो उसी तरीके से जो आपकी पॉलीमर चेन है उसको अगर आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये आप उस पॉलीमर चेन के साथ रिएक्ट करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी कि एक एंड दोनों में से कोई सा भी एंड जो है इसकी ग्रोइंग पॉलीमर चेन के साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरे एंड पे उसी तरीके से फ्री रेडिकल चार्ज रहेगा, वो एंड फिर दोबारा किसी और दूसरी ग्रोइंग पॉलीमर चेन के साथ रिएक्ट करेगा और इस तरीके से दोनों पॉलीमर चेन ग्रोथ को जो है वो आप कह लोगे इनहिबिट कर देगा या स्टॉप कर देगा, ठीक है।
यही रीजन है कि अगर आपने मोनोमर्स को ट्रांसपोर्ट करना हो या मोनोमर्स की स्टोरेज करनी हो, ठीक है, तो फिर आप उनकी स्टोरेज या उनकी ट्रांसपोर्ट करवाते वक्त ये मेक श्योर करते हैं कि आप वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट हो. रीज़न क्या है, ताकि वहाँ पे खुद ब खुद किसी लाइट की प्रेजेंस में या की जो है वो पोलीमराइजेशन स्टार्ट ना हो जाए. तो मोनोमर्स की पोलीमराइजेशन को अवॉइड करने के लिए अगर आपने उनको स्टोर करना है या उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट है या उनकी जो स्टोरेज है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन की जाती है, ठीक है, ताकि आप जो है वो पोलीमराइजेशन वहाँ पे स्टार्ट ना हो, ठीक है. लेकिन अगर पोलीमराइजेशन करवानी होती है, ठीक है, पोलीमराइजेशन ग्रोथ स्टार्ट करवानी होती है, रिएक्शन स्टार्ट करवाना होता है, तो फिर ये मेक श्योर किया जाता है कि वहाँ पे एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो आपके उस मोनोमर में. तो उसको फिर एलिमिनेट करवाया जाता है इस ऑक्सीजन को, अगर ये तो अगर ये प्रेजेंट है. उसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो फिर आप जो मोनोमर आपको मिला है स्टोर फॉर्म में, यानी जो आपके पास आया है, उस मोनोमर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड से पास किया जाता है ताकि वो जो ऑक्सीजन अगर है तो वो एलिमिनेट हो जाए. या एक मेथड और जो किया जाता है वो ये है कि आप इनिशिएटर, जो थर्मल इनिशिएटर हैं, रेडॉक्स हैं या फोटो इनिशिएटर्स हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ा देते हो. जब आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है आपके इनिशिएटर की, तो फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो आप कह लो इनहिबिशन है या इनहिबिटिंग एक्शन है, वो उतना नहीं प्रोमिनेंट रह पाता, ठीक है. तो ये आपके पास है, आप इनहिबिशन करवा सकते हो यूजिंग नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन या फिर हाइड्रोक्यूनिन हो गया. ये इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है. इनहिबिटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये चेन ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उनको ग्रोइंग चेन पॉलीमर को, रिएक्टिव पॉलीमर को डेड पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं या लिविंग पॉलीमर को डेड पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं. इसी तरह आप चेन ग्रोथ टर्मिनेट करवा सकते हो यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो कि एज इनहिबिटर एक्ट करता है. रीजन क्या है, क्योंकि वो भी होमोलिटिकली क्लीव कर सकता है, रेडिकल स्पीशीज जनरेट कर सकता है, और जो है इसी वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि अगर हमें ट्रांसपोर्ट करनी हो मोनोमर की या स्टोरेज करनी हो तो हम इसको यूज करते हैं. यहाँ तक समझ आ गई है क्लास या नहीं? Yes, अच्छा, उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाता है ब्रांचिंग ऑफ पॉलीमर चेन. ब्रांचिंग ऑफ पॉलीमर चेन आपके पास क्या है कि अभी तक हमने जितनी भी ग्रोथ देखी है इन केस ऑफ रेडिकल पॉलीमराइजेशन की ही हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा है लीनियर ग्रोथ हो रही है चेन की. बट अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग कब होगी? ब्रांचिंग इन उस केस में होगी, अच्छा ब्रांचिंग उस केस में होगी क्लास, आपके पास कोई अगर प्रोपिगेटिंग साइट है आपकी, ठीक है, अगर आपकी प्रोपिगेटिंग साइट जो है वो हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर ले कहाँ से, चेन से, ठीक है, तो उस केस में उस पॉइंट पे जहां से वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है वहां पे रेडिकल चार्ज आ जाता है और वहां पे एक ब्रांच आप कह लो कि ब्रांच ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सो इट मींस के जो ब्रांचिंग है हमारे पास उसके लिए लाजमी है कि आपकी जो प्रोपेगेटिंग साइड है अच्छा जो आपकी प्रोपेगेटिंग साइट है वो यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को एक्सट्रैक्ट करती है, तो उसके लिए देखो इसने क्या किया. अच्छा यहाँ पे आपका जो CH2 एंड है वो फ्री रेडिकल एंड है और ये आपकी ग्रोइंग पॉलीमर चेन है.
अब होता क्या है, ये जो सी एच टू फ्री रेडिकल एंड है, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो किस तरह एक्सट्रैक्ट करता है कि ये आपका जो सी एच और हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये होमोलिटिकली क्लीव करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिमूव होगी, वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस सी एच टू वाले एंड पे जाके कंबाइन करेगी, इसे सी एच थ्री में कन्वर्ट कर देगी, यानी ये वाला एंड अब आपका सी एच थ्री में कन्वर्ट हो गया। इसकी ग्रोथ तो हो गई स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास सी एच फ्री रेडिकल स्पीशी जनरेट हो गई, यानी यहाँ पे आपका जो चेन एंड पे आपका रेडिकल चार्ज आ रहा था, कि जो एंड ऑफ द चेन है वहां पे रेडिकल चार्ज हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास जो रेडिकल चार्ज है वो आप कह लो मिडल ऑफ द चेन पे आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रांचिंग जो है वो ओरिजिनेट हो जाएगी या ब्रांचिंग हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो सी एच टू फ्री सी एच पे फ्री रेडिकल यानी कार्बन पे फ्री रेडिकल चेन आया इन द मिडल ऑफ द चेन, ये रिएक्ट करेगा आपकी मोनोमर स्पीशी के साथ। जब ये आपकी मोनोमर स्पीशी के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि सी एच टू आपके पास विनाइल या आप कह लो इथीन स्पीशी है, तो इथीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि अब ये जाहिर सी बात है जहां पे रेडिकल एंड है या जो रेडिकल चार्ज है वही वहीं से रिएक्शन होगा। तो अगर वहां से होगा तो ये सी एच टू जो है आपके पास वो यहाँ पे जाके कंबाइन करेगा इस कार्बन के साथ, और यहाँ से अब आप देख रहे हो कि एक चेन जो है वो स्टार्ट हो गई है, चेन ग्रोथ। सो इट मीन्स कि अगर आपकी जो है वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मिडल ऑफ द चेन में या चेन एंड के क्लोजर किसी कार्बन से हो जाए, तो उस केस में चेन ग्रोथ जो है या ब्रांचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है पॉलीमर चेन की, ठीक है। और उसकी भी आगे दो कंडीशन है कि अगर हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हो उस कार्बन से जो चेन एंड के क्लोजर है, तो उस केस में बनने वाला जो ब्रांच पॉलीमर होगा या उसमें जो ब्रांचिंग होगी वो शॉर्ट होगी, यानी शॉर्ट ब्रांचेस होंगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है मिडल ऑफ द चेन से, ठीक है, अगर मिडल ऑफ चेन पे जो है आपके पास रेडिकल चार्ज आता है, तो उस केस में जो पॉलीमर बनेगा उसमें जो ब्रांच होगी उसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा या लॉन्ग ब्रांचेज होंगी, ठीक है। जो शॉर्ट ब्रांचेज पॉलीमर हैं वो ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग ब्रांच पॉलीमर चेन की निस्बत। रीजन क्या है कि जो आपका क्लोजर एंड से क्लोजर टू द एंड चेन आपके पास जो है उस नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन जो है वो इजी होती है, बजाय ये कि मिडल ऑफ चेन से जो है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन फ्री रेडिकल एक्सट्रैक्शन की जाए। इसी वजह से जो शॉर्ट चेन शॉर्ट ब्रांच पॉलीमर होते हैं आपके पास वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं या वो ज्यादा उनकी ग्रोथ फेवरेबल होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग ब्रांच पॉलीमर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि लास्ट टाइम बात हो रही थी कि मैम लीनियर जो पॉलीमर होते हैं वो आपके पास, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, ब्रांच पॉलीमर जो होते हैं वो आपके पास लेस डेंसर होते हैं। उसकी रीज़न एक मैंने आपको दी थी कि जो लीनियर पॉलीमर होते हैं उस केस में आपके पास जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या क्रिस्टलिनिटी है वो आपके पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच पॉलीमर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप ब्रांच पॉलीमर की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ड्यू टू ब्रांचिंग, ब्रांच होने की वजह से जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं या डिक्रीज कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्रांच पॉलीमर है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो उनकी डेंसिटी लेस हो जाती है, ठीक है। सो एक रीज़न ये भी है, एक रीज़न ये भी है कि इनमें जो आपके पास ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं, ब्रांच पॉलीमर्स में जो आपके पास ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रिस्टलिनिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, और इसी वजह से जो डेंसिटी है वो फॉल डाउन कर जाती है। तो एक ये रीजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई क्लास? क्लास यहाँ तक समझ आ गया है? जी मैम आ गई है। अच्छा, उसके बाद जो आपके लीनियर अनब्रांच चेन होती हैं उनकी अगर आप पैकिंग करवाना चाहो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से पैक हो जाती हैं उनकी, उसका भी रीजन यही है कि इनमें जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से इनमें जो डेंस पैकिंग है या क्लोजर पैकिंग है
टाइट अरेंजमेंट है वो पॉसिबल है एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन, और इसी वजह से जो लीनियर अनब्रांच है उनकी डेंसिटी है, ये भी रीजन है कि ज्यादा वो होगी क्योंकि जो पैकिंग है वो ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा स्टिफ होगी. फिर आगे आपके पास जो लीनियर आपके पास पॉलीइथीन है वो आपके पास हाई डेंसिटी पॉलीइथीन के तौर पे या पॉलीइथीन के तौर पे भी उसे कहा जाता है, और उसको अगर वो हाई डेंसिटी है तो उसको हार्ड प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है. ठीक है, और जो आपके पास आर्टिफिशियल हिप जॉइंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो आपका ब्रांच पॉलीथीन है जो कि आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, क्योंकि लो डेंसिटी है तो इस वजह से वो फ्लेक्सिबल होता है, उसे ट्रैश बैग बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्लीनिंग बैग बनाने के लिए यूज किया जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज के जो आप कह लो एप्लीकेशन वेरी कर रही है. अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमने आज स्टार्ट करना है, वो है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. रेडिकल पॉलीमराइजेशन यहाँ तक खत्म होती है क्लास. नेक्स्ट इज द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो कि आयनिक पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की. आप सोचो, आप समझो कि हम सेकेंड टाइप पढ़ने लगे हैं जो कि है आयनिक पॉलीमराइजेशन, और उसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक है कैटायनिक वन, एक है एनायनिक वन. अब कैटायनिक वन को हम डिस्कस करने लगे हैं. कैटायनिक वन पॉलीमराइजेशन जो है उसमें भी आपको इनिशिएटर रिक्वायर है, बट यहाँ पे जो इनिशिएटर हम यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफिल नेचर का होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका इनिशिएटर जो कि आपकी एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, और उस एल्कीन को मोनोमर को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैटायन में कन्वर्ट कर देता है. अब वो जो इनिशिएटर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके लिए सेसेट्स हो सकते हैं, जैसे बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, BF3 हो गया, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया, इसके अलावा आपकी टिन टेट्राक्लोराइड हो गई जो कि स्टैनिक टेट्राक्लोराइड है, या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये आपके एज इनिशिएटर यूज किए जाते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में. ठीक है, अच्छा, इसका वो एक एडवांटेज ये बता रहा है कि इन इनिशिएटर को यूज करने का एडवांटेज आपके पास क्या है, अदर देन HCl को क्यों नहीं यूज किया गया. अगर HCl को यूज करते इन अगर इन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बजाय अगर आप HCl को यूज करते तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हमने यूज किया. उसका रीजन वो ये दे रहा है कि इन इनिशिएटर को यूज करने का एडवांटेज एज कम्पेयर टू यूजिंग HCl वो क्या है कि यहाँ HCl अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे जो आपके पास चेन टर्मिनेटर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है एज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल स्पीशी भी है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे एज चेन टर्मिनेशन का काम करेगा, जबकि इन केस ऑफ BF3 या AlCl3 अगर आप देखो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के केस में हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास जो चेन टर्मिनेशन का काम है वो ये आपके पास इनिशिएटर नहीं करेंगे. अगर आपको चेन टर्मिनेशन करवानी होगी तो आप एक्सटर्नली जो है वो कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे. इनके पास जो है वो कोई न्यूक्लियोफाइल स्पीशी नहीं है जो कि चेन टर्मिनेट करे, बल्कि अगर आप HCl को यूज करते हो तो उस केस में आपके पास जो क्लोराइड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा और वो चेन को टर्मिनेट कर सकता है. सो इसीलिए हम HCl या प्रोटॉन डोनेटिंग एसिड्स हैं उनको यूज नहीं कर रहे एज इनिशिएटर फॉर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. अच्छा, यहाँ पे उसी तरीके से इनिशिएशन का स्टेप आता है क्लास के. आपके पास जो है आपका जो इनिशिएटर है सबसे पहले आपकी जो एल्कीन स्पीशी है उसके साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो हुआ क्या है कि जो आपका पाई बॉन्ड है, बेसिकली आपका जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्ट कर रहा है या वो अटैक करता है आपके BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड पे. जैसे ही अटैक करता है तो आपके पास ये स्पीशी बनती है जिसमें जो कार्बन है, ये वाली कार्बन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहाँ BF3 जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, और उसके बाद जब ये आपके पास इनिशिएटर अटैक कर लेता है आपके मोनोमर के साथ, एल्कीन मोनोमर के साथ,
तो आपकी जो अल्कीन मोनोमर है वो एक एटाइनिक स्पीशी में जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो उसी तरीके से काम करती है जिस तरह रेडिकल काम करता है, कि अब ये जो एंड है आपका ये प्रोपोगेटिंग साइट हो गया या प्रोपोगेटिंग एंड हो गया जो कि चेन प्रोपोगेशन का काम करेगा। कैसे? कि अब ये नेक्स्ट जो मोनोमर है अल्कीन मोनोमर उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसी तरीके से वो जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा। अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज नहीं हो रही, जो पाई बॉन्ड है वो कंप्लीट दोनों इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं आपके कैटायनिक सेंटर पे, और ये वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे जो है आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसी तरीके से, और CH2 और इस कार्बन की जो है वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लास इसी तरीके से उसने ये आपके पास स्ट्रेन बनाई है उसको आगे प्रोपिगेटिंग साइट को फिर फर्दर रिएक्ट करवाया एल्कीन मोनोमर के साथ, और इसी तरीके से आपके पास ये फिर चेन जो है वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी अनटिल अनलेस हम यहाँ पे कोई जो है वो टर्मिनेशन नहीं करवा देते। अब यहाँ पे भी टर्मिनेशन करवाने के जो मैथड है हमारे पास वो 3 वेज हैं। फर्स्ट वन क्या है कि या तो